नमस्कार, आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर मैं ये चाहती हूँ मैसेज हर उस बंदे को पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं भारत की बेटी, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। हाँ, जिस देश में पूजा जाता है बेटियों को, माताओं को पूजा जाता है, उस देश की बेटी हूँ मैं। गौ माता, गंगा माता, शेरावाली माता, जिस देश में ऐसी ऐसी देवियों को तो पूजा जाता है, उस देश की बेटे हैं हम लोग, बेटियां हैं हम लोग। देश में कमी नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, देश में कमी नहीं है, कानून में भी कमी नहीं है, गवर्नमेंट में भी कमी नहीं है, कमी हम में, मुझ में, आप में, हम सब में है। समझा, मुझे जो समझ में आता है, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा ना समझा पा रही हूं, पर समझने की कोशिश करना, जो मैं बोलना चाहती हूँ उसकी डीप समझने की कोशिश करना। एक शेर है और एक हिरन है, हर शेर हिरन का शिकार करता है, प्राकृतिक ने बनाया हुआ है, तो शेर का काम शिकार करने का, हिरन, हिरन की बेवकूफी है कि वो शिकार होता है। भागो, बचाव करो अपना, मतलब अगर आप किसी भी टाइप से टॉर्चर हो रहे हो तो टॉर्चर करने वाले की कमी नहीं है जी, आपकी अपनी कमी है। आप में कमी है जो आप टॉर्चर होने दे रहे हो अपने आप को। आपको अपने आप से प्यार नहीं है, आप अपनी आप की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो। एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, हर और हरसेल्फ, सबका राइट है, जेंट्स का भी और लेडीज का भी। हमारी सरकार ने बहुत सारी राइट्स दे रखे लेडीज को, आधी से ज्यादा लेडीज को पता नहीं है, जिनको पता वो यूज करना चाहती नहीं है। क्यों? अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने आप को टॉर्चर मत होने दो प्लीज। मैं किसी को किसी के अगेंस्ट नहीं कर रही हूं, मैं आपको आप ही के पास लेके जा रही हूं। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज ब्लॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और जिसको समझ में आए तो प्लीज फॉलो करो। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी राइट्स बनाए हैं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं, आप किसी एक लॉयर से बात करो तो आपको पता चलेगा क्या क्या राइट्स हैं। मुझे दो चार जो पता है अपनी फंडामेंटल बेसिक राइट्स, मैं वो बता सकती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, दिस लीगल राइट इज स्पेशली मेड टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। वॉट एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस इज? एनी काइंड ऑफ फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्शुअल एंड मेंटल टॉर्चर इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। सो दिस एक्ट इज जस्ट स्पेशली टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। Indecent Representation of Women Act and Act 1986. This act is specially made for women. Any kind of indecent representation of women publicly, in any kind of publications, advertisements,
woman has a right to take action against it. No one has a right to talk rubbish about any woman. Even women also don't have the right to talk any kind of rubbishly, insultingly, talk anything about the men also. Immoral trafficking of women, 1956, Act 1956. This is specially to prevent trafficking of women from commercial sexual activities like prostitutions. Prevent trafficking of women in prostitution as organized by a organized for a living thing. Dowry Prohibition Act 1961. We all know about the dowry, and we know that it's illegal. Then also, okay, this is a gift, and this is not a dowry. Any kind of dowry demand at, before, and after the marriage, this act is made. Indian Penal Code, 1860. Protection of Indian women from dowry death, rape, kidnapping, cruelty, and the other. These are like 5 to 6 rights, legal rights. Right to expression, right to freedom, rights to express your feeling. But excuse me, ma'am. If you have rights, then you have a duty also. Your duty is to love and respect yourself. That's only the duty, basic duty. अरे आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दूसरा कौन करेगा रिस्पेक्ट? मैं कितनी बार बोलती हूँ आप लोगों को, अपने आप से प्यार करो, अपनी रिस्पेक्ट करो. भगवान ने हमें ऊपर से बना के भेजा है. जब हम अपने आप से ही नहीं प्यार कर पाएंगे तो हमसे कौन और प्यार करेगा? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के आगे मत झुकने दो, कोई भी हो. नथिंग रिलेट विद मैन और वुमेन. एंड नेवर ब्लेम गवर्नमेंट कि ये नहीं करती मेरे लिए, वो नहीं करती. मैंने बहुत सारे मैं ऑनलाइन जाऊँ, मैं खोलूँ तो सब गवर्नमेंट को या कुछ कभी इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को, कभी इस पार्टी को ब्लेम करने को रखते रहते हैं. अगर हम अपने राइट्स के लिए इशू उठा रहे तो हमारी कुछ पर्टिकुलर ड्यूटी है, हमें वो भी फॉलो करनी चाहिए. नेवर टॉर्चर एनीवन, और नेवर एवर ट्राई टू टॉर्चर एनीवन. कभी अपने आप को टॉर्चर मत होने दो, और कभी किसी को टॉर्चर करो मत. और अगर तुम किसी और को टॉर्चर कर रहे हो तो तुम्हारे भी ऊपर शेर है जो तुम्हें कर सकता है. और जो टॉर्चर हो रहा है, एक्सक्यूज मी, दैट्स योर मिस्टेक. मुझे नहीं लगता किसी आदमी में इतनी ताकत है कि जो एक लेडीज को टॉर्चर कर सके. नहीं, women are more powerful, and we are Indian women, where Durga Mata, we all are Durga Mata. अगर हम लक्ष्मी हैं तो हम दुर्गा भी हैं. ये केवल संदेश कुछ expressions के लिए था मेरे. अगर आप लोगों को ये video समझ में आई, ढंग की लगी, तो प्लीज लाइक मत करो, प्लीज शेयर करो. केवल शेयर करो और उस बंदे तक पहुंचाओ जिसको इससे जरूरत है, क्योंकि सबको नहीं समझ में आएगी. जिसको जरूरत है उसको समझ में आएगी, आप लोगों को नहीं समझ में आएगी.
जिस बंदे को जरूरत है ये वीडियो उसके लिए होगी। मुझे इस वीडियो पे कोई लाइक कोई कमेंट आप मत दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपके लाइक्स, पर इस वीडियो को शेयर कर दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर आउट करो कि उस बंदे तक, राइट बंदे तक राइट फॉर्म पहुंचे और वो समझ पाए मैं उसको क्या कहना चाह रही हूं। हमारा देश बहुत महान है, बहुत महानताएं हैं इसकी। मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुई हूं और वो गर्व सारे जहां को होगा जब हम औरतें मजबूत बन के निकलेंगी। इंडियन वुमेन्स आर मोस्ट स्ट्रॉन्गर। बस हमें धरती की तरह शांत रहना है तो हमें आसमान की तरह गरजना भी आना चाहिए। अगर ये मेरी बात किसी को बुरी लगी तो आपकी प्रॉब्लम, पर ये किसी न किसी के लिए लाभदायक होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।